बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में सोशल मीडिया पर घर में आग लगने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो बनाने वाले व्यक्ति द्वारा दावा किया जा रहा है कि तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में पेट्रोल से आग लगाकर आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के गांव गड़मलपुर में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें रास्ते पर जबरदस्ती मकान बनाने का गांव वालों ने विरोध करते हुए एसडीएम और तहसीलदार के दरबार में गुहार लगाते हुए रास्ता खुलवाने की मांग की थी। उस पर तहसीलदार और स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त कर दिया। उधर परिजनों का आरोप है कि उनको किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है और बिना बताए अचानक आकर हमारे मकान को ध्वस्त कर दिया और परिजनों के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। प्रशासन पर विपक्षी लोगों के साथ हमसाज होने का आरोप भी लगा रहे थे। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में तहसीलदार ने अवैध अतिक्रमण को हटवाया। फिलहाल घर में आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सर, पेट्रोल डाल के आग लगाई इन्होंने, पता नहीं पेट्रोल की कनस्तरी लेकर आए थे, उन्होंने आग लगा दिया हमारे घर में। सब कुछ जला रही है, जलाना चाह रहा है सर, मारना चाह रहे हैं ये लोग हम। और ये रास्ता पिछली बार सरकारी धन से ही सीसी रोड बना था, उसके बावजूद इस रोड को तोड़ करके इसके द्वारा दोनों तरफ दीवार बना लिया गया है। और आज हम लोग जब इसको तोड़ने आए, कब्जा हटाने के आए, तो इनकी महिलाएं और जो इनके यहाँ के पुरुष थे, सब लोगों ने अपनी एक झोपड़ी में जाके स्वयं से आग लगा दी। हम लोगों के ऊपर आरोप लगाने के लिए कि प्रशासन ने ऐसा कर दिया, जबकि हम लोगों के द्वारा इनके साथ कुछ भी नहीं कहा गया है। बहुत साल इनके साथ पेश आया गया है और कहा गया है कि आपका ये काम गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि किसी की जमीन जब सार्वजनिक रास्ता है और लोग लगातार परंपरा से निकलते रहे हैं, तो उसको बंद नहीं किया जा सकता। समझाने बुझाने के बावजूद इन लोगों के द्वारा हम लोगों के साथ में गाली गलौज भी की गई, ईंट पत्थर भी हाथ में लेके फेंका गया, लेकिन पुलिस बल की मदद से सारी चीज़ों को रोका गया और इस लोगों का कहना है।